ਛੜਾਦਾ ਵੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਦਾ ਵੈ ਨਹੀਂ ਡੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਛੜਾਦਾ ਵੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਠੋਣ ਵਿੱਚ ਗੁੱਤੀ ਪੈਰੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। होप करता हूँ सब सारे बढ़िया पाएंगे, मस्त पाएंगे। तो भाई आज की वीडियो ना कुछ हटके रहने वाली है भाई। ये लगा लो, बहुत तगड़ी गाड़ी लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। एक बार गाड़ी की लुक दिखा तो आपको छोटी सी। ये देखो भाई क्या लग रही है भाई, अपनी दिल्ली की सुपरा लगा लो भाई। और भाई बहुत तगड़ी मॉडिफाई करवा रखी है भाई ने, और भाई ने दूसरी बात भाई इम्पोर्ट करवा रखी पूरी किट अपनी जापान से। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो भाई से पूछते हैं क्या कुछ करवा रखा भाई ने। भाई ये देखो मैं इस गाड़ी की तारीफ़ कर रहा था, भाई देख लो भाई जितनी तारीफ़ करो ना उतनी कम है अपनी इस गाड़ी की भाई। और भाई ने जो लुक बना रखी ना भाई, एक नंबर की लुक बनवा रखी है गाड़ी की। और अपने हर्ष भाई की गाड़ी है, तो कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो भाई थोड़ा अपने बारे में बताओ, कहाँ रहते हो? और भाई रोहिणी से हूँ मैं। हाँ जी, बहुत टाइम से शौक था, बहुत टाइम से प्लान भी था कि गाड़ी को मॉडिफाई करें, गाड़ी को तैयार करें। हाँ जी। और काफ़ी कंफ्यूज रहता था मैं सिविक के बारे में, कभी हाँ। जैज के बारे में। बट लकीली मैं काफ़ी टाइम से कोशिश करने के बाद मैंने लांसर के पार्ट्स मंगाए जापान से, इवोल्यूशन 6 के, और वो हमारे पास जब आ गए तो उसके बाद हमने इस लांसर को रेडी करा है। तो भैया जैसे आप सिविक और ये गाड़ी बता रहे हो, तो उसके मुकाबले तो ये गाड़ी बहुत पुरानी है उसके। हाँ, उसके मुकाबले बहुत। तो एकदम से कैसे माइंड में आएगी यही गाड़ी ली जाए? क्योंकि सोचा नहीं था ना इस गाड़ी की अवेलेबिलिटी भी हो सकती है। दिल्ली के अंदर सिविक मिलना बहुत मुश्किल था, एक तरीके से इम्पॉसिबल ही था। बट जब उसके पार्ट्स आ गए तो ये पार्ट्स मिलना भी लाइक उस मुश्किल से भी ज़्यादा था। तो उसके बाद मैंने कहा अगर पार्ट्स मेरे पास आए हैं तो मेरे को इसको तैयार करना ही चाहिए। अगर मैं पार्ट्स लेकर उसको आगे सेल कर दूं या फिर उसको आगे ऐसे पड़े रहने दूं तो वो उसका बेकार है। सिविक मैं 2 साल रुक कर भी बना सकता हूँ। हाँ। पर लांसर के लिए आखिरी साल ही था, 2010 की, और ये लास्ट ही ईयर है जो मैं इसको रेडी करके इंडिया पे या फिर मैं अपनी दिल्ली की सड़कों पे इसको घुमा सकता हूँ, लोगों को दिखा सकता हूँ कि हाँ भाई लांसर में भी इतनी। तो अपने लास्ट साल रह रहा अपनी गाड़ी का? इसका लास्ट साल है 2025, मतलब इसका लास्ट है। तो अपने दिल्ली में तो नहीं मिलेगी आपको गाड़ी? नहीं, मेरे को दिल्ली में नहीं मिली थी। आप देख रहे हो इसकी नंबर प्लेट तो UP 32 आई है। लखनऊ से लेकर आया हूँ इसको मैं, स्पेशली गाड़ी लेने के लिए ही लखनऊ गया मैं। OLX पे ढूंढी मैंने, बहुत खराब कंडीशन में थी। आपको मैं फोटो भेजूंगा अपने व्यूअर्स को दिखाना। तो बाकी आपके इंस्टा आईडी पे और यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं ना, और भी देख सकते हो आपकी किस कंडीशन में हमने ली थी। वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से उसकी जर्नी बताई है। हाँ। कैसे पहले पार्ट्स आए, हमने पार्ट्स देखे, उसके बाद फिर हम OLX पे ढूंढ के लखनऊ गए, वहाँ पे इस बंदे से गाड़ी लेकर आए, किस कंडीशन में लेकर आए भाई। लाइक हम सुबह 3 बजे के जगे हुए थे और 650 किलोमीटर सेम डे ड्राइव करके लेकर आए थे। उस दिन हालत खराब हो गई थी, बट ये था कि चलो गाड़ी मिल गई, इस खुशी के अंदर ही गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई। तो खुशी के मारे आपको पता नहीं चला, बस आना था, चला कि बस गाड़ी मिल गई, गाड़ी मिल गई करता है। और बिना स्टेपनी के? अच्छा, बिना स्टेपनी के भाई, किसी दूसरे बंदे की 14 साल पुरानी गाड़ी और हाईवे पर जहाँ पर 150 किलोमीटर पे ढाबे है, सीधा फर्स्ट ड्राइव, तो इस हिसाब से है। और तब भी दिल्ली लेकर आ गए रात को 3-3:30 बजे वापस, ऑलमोस्ट 24 घंटे के अंदर दिल्ली से निकले, अपने घर से निकले, वापस अपने घर आया लखनऊ से गाड़ी लेके। तो बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है अपनी, है ना, गाड़ी के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी। इनफैक्ट ये सब करवाने के बाद जो इसका सेकंड ओनर है, हाँ। उसका मेरे पास मैसेज आया कि ये गाड़ी तो मेरी है, मैं इसका सेकंड ओनर हूँ। तो उसका भी मेरे पास अभी भी कॉन्टेक्ट है, मेरे से बात भी हुई थी। अच्छा। तो उसने बताया कि उसने बहुत अच्छे से रखी थी, जो थर्ड ओनर था उसने इसको 1 साल में काफ़ी मतलब ढंग से नहीं रखी और इसकी सर्विस वो खुद ही कर देता था, और टायर पंचर है चला दिया, शीशे को देख रहे हो भी इसका टूटा हुआ है। तो उसने ध्यान नहीं दिया, सेकंड ओनर तक की गाड़ी बहुत अच्छे से रखी गई थी, इसमें काम वगैरह भी था, सिस्टम भी लगा हुआ। और ये उस समय की ना अपनी ये लगा लो कुछ लग्जरी में आती थी, और ये लगा लो हर बंदा रख भी नहीं सकता था गाड़ी, है ना। हाँ, उस टाइम पर आसान था, और जो फीचर्स थे वो भी लग्जरी थे। अगर आप इसके तो आपको कुछ आइडिया हो उस टाइम कितनी क्या कितने की कॉस्ट पड़ती थी गाड़ी, कुछ आइडिया हो तो? कोई इसका सच में कोई आइडिया नहीं है। लाइक ये 2010 की, अगर मैं 2010 की बात करूँ, मैं 12th में था 2010 में। हाँ। तो उस टाइम पर तो पता भी नहीं था यार, उस टाइम पर तो गाड़ियाँ भी गिनी चुनी थी अपनी, एसटीम, होंडा सिटी, जेन, और ये सारी गाड़ियाँ हुआ करती थी 2010 में। पर उनके मुकाबले इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी खासी बड़ी है ना गाड़ी की, लेंथ भी बहुत ज़्यादा बड़ी।
बड़ी है, ये लो भी बहुत है, इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत है, तो ये सारी चीज़ की स्पीड भी बहुत है। अपनी अपनी सेडान गाड़ी ना जितनी लंबी हो उतनी प्यारी लगती है, है ना, जितनी नीचे उतनी अच्छी। हाँ, और ये जो नंबर आप लखनऊ तो ठीक है, पर ये नंबर प्लेट भी कुछ अलग सी है। अच्छा, पर नंबर प्लेट की प्लेसमेंट के लिए दे रखे हैं, या तो मैं यहाँ पर लगवा के लुक खराब कर दूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पर लगवाने के लिए मुझे ट्रक का नंबर प्लेट लेना पड़ा। अच्छा, ये ट्रक का नंबर प्लेट का साइज है ये, अगर मैं बाइक की भी, मेरे को लगा था बाइक की आ जाएगी, बट बाइक वाली इतनी छोटी सी होती है, ये पूरी ट्रक का ही नंबर प्लेट का साइज है। तो ये बहुत ही कुछ अलग अलग स्टोरी है, छोटी छोटी स्टोरी लग के स्टोरीज है गाड़ी के, भाई हर गाड़ी की अपनी मेहनत है, छोटी छोटी स्टोरीज है जिसका ओनर ही बता सकता है और हर कोई रिलेट करता है हालांकि उससे। तो ये छोटे छोटे काम करवाने, इसके जगह जगह पे पार्ट्स मिल जाना, अब इसका ग्राफिक से काम करवा रहे थे और मैं काफी टाइम से इसके डोर वाइजर ढूंढ रहा हूँ, साथ में सरदार जी बैठे थे शॉप पे, उन्होंने बोला डोर वाइजर ले जाओ मेरे से। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, मेरे को कहीं नहीं मिले, मैं नाहरपुर ढूंढ आया, मैं मायापुरी मार्केट ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला, साथ में बैठा बंदा कह रहा है कि डोर वाइजर मेरे पास पड़े लेके चले। अच्छा, तो ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं कई बार कोशिश करने पर भी नहीं मिलती, मायापुरी में जो सामान नहीं मिला मेरे को वो रोहिणी में मिल गया, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं इसमें। और जैसे आप बता रहे थे आपने जापान से इम्पोर्ट करवाया अपनी इस किट, तो क्या क्या था उस किट में अपनी? जो जापान से मैंने इम्पोर्ट कराया था भाई, उसके अंदर मेरा ये फ्रंट का हुड है, मेरा आगे का बम्पर है, ये लाइट्स हैं, फॉग लैंप्स हैं, हमारे फेंडर्स हैं, चारों गेट है हमारे। अच्छा, और उसकी जो डिग्गी है, इसका स्पॉइलर है, पीछे का जो इसका बम्पर है, इसकी टेल लाइट है, ये सारे के सारे जापान से इंपोर्ट कर। अरे लगा लो, एक जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना मेन, वो आपने पूरा इंपोर्ट करवा रखा है, पूरा वो हमारा आया, पूरी बॉडी उठ के हमारे पास इंपोर्ट हुई थी, इसका इंजन चेसिस और इसकी रूफ वगैरह नहीं हो पाई थी, इनफैक्ट इसका डैशबोर्ड भी था, इसका स्टीयरिंग के कंपार्टमेंट जो है कंपोनेंट्स थे कुछ वो भी थे, इसका गियर नॉब वगैरह वो सारी चीज़ें भी हमारे पास आई। तो अपना जो हुड है ये सेम ऐसा ही आया था अपना? हाँ, ये हुड बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा था, हमने कुछ भी नहीं छिड़वाया इसके अंदर। अच्छा, कोई ग्रिल वगैरह हमने कुछ, आजकल लोग बाग ऐसा हुड करवा रहे हैं और है ना, करवाते हैं, बट ये आया ही ऐसा था, परफॉर्मेंस वाइज भी ऐसा होता है, और बहुत इसी वजह से बहुत सॉलिड भी है। हाँ, क्योंकि अलग से कटा नहीं है, ये बिल्कुल इसी शेप के अंदर ही हुआ करता था। तो इतनी पुरानी गाड़ी है जैसे, तो आपने इंजन वाइज कुछ काम वाम करवाया? नहीं, इंजन वाइज मुझे कभी टचवुड कोई काम कराने की जरूरत नहीं पड़ी है, परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं कुछ करवाना चाहूँ तो वो अलग बात है, बट अगर ये कहते जो इंजन काम मांगता है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इंजन बिल्कुल परफेक्टली फाइन है 14 साल बाद। और अपना एसी वेसी? एसी वगैरह इसके अंदर बिल्कुल ठीक चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके एसी में भी, मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं अपनी गाड़ी में? दिक्कत नहीं है, जो अब दिक्कत आने लगी है वो इसके अलॉय की वजह से जो मैं फेस कर रहा हूँ। हाँ, वो थोड़ी सी दिक्कत आने लगी, अलॉय बहुत ज्यादा चौड़े हो गए हैं, तो उसका स्टीयरिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, अजय थोड़ी सी दिक्कत आने लगी, और जो उसके सस्पेंशन शॉकर होते हैं जो कि बंदे ने ध्यान नहीं दिया था कैसे चलाते थे लोगों के चलाने के तरीके पे, वो इसके खराब हुए जो कि हम इसके अभी काम में लगे हुए हैं, बट वैसे इसके इंजन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलॉयज में देख रहा हूँ, जैसे एलॉयज भी बहुत ही हटके लगवाया आपने अपनी गाड़ी में, गाड़ी ही हटके थी तो अलॉय भी इसके हटके लगवाने पड़े। इसके पीछे क्या स्टोरी है अपनी एलॉयज के पीछे, मतलब यही क्यों? यही क्यों, इसलिए क्योंकि सोच के जब हम जाते जो चीज़ें वो नहीं मिलती। हाँ, मैं तो सोच के गया था मेरे को वो नहीं मिला, बट उससे अच्छा ही निकला ये जो निकला, क्योंकि मेरे को चाहिए था एलॉय ऐसा हो जो बहुत चौड़ा हो और कार को कम्प्लीट कर पाए, उसके लुक को कम्प्लीट कर पाए, तो वैसा एलॉय मेरे को मिला मायापुरी में, जो एक बंदे ने मंगवाया था उससे लग ही नहीं पाया, तो बेसिकली हो सकता है शायद मेरी किस्मत में ही था, अभी भी उसका निशान है ही, आप देख भी सकते, व्यूअर्स भी देख सकते, तो इसी वजह से ये अलॉय मेरे को अच्छे भी लगे, और इतने चौड़े अलॉय इस गाड़ी पर सूट भी कर रहे थे ये, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई थी जो अपनी ओरिजिनल शेप थी उसके ज़्यादा, और उसके बाद भी गाड़ी की लुक को पूरा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो इस हिसाब से मैंने अलॉय लगाया। तो एलॉयज की अपनी अगर टायर की प्रोफाइल देखी जाए तो 225/50 R17 17 इंची में अपने 17 इंच ना, जिसकी विड्थ है वो 11J का साइज है। हाँ, तो अच्छी खासी भी है ना, क्योंकि अब सेडान गाड़ी और आपने इतनी तगड़ी मॉडिफाई करवा दी और जितना काम करवा दे, छोटे छोटे टायर तो जरूरी है, है ना, और ऊपर से एलॉयज का जो कलर है ना ब्लू, मतलब एक हटके लुक निकाल दी गाड़ी, है ना, क्योंकि सिल्वर के अंदर इतने सारे नहीं, ब्लैक सिल्वर तो आजकल सारे लगवा रहे हैं, कॉमन भी थे और वो लगवा भी लेते, अगर मैं सेम डिजाइन में लगवाता हूं तो शायद हम एलॉय के लिए इतनी बात ना कर रहे थे जितना हम इस ब्लू कलर के अलॉय की बात कर रहे हैं। और बाकी भाई साइड से अपनी जेड ब्लैक रहने वाली, जो कि हम रिकमेंड नहीं करते। हाँ, बिल्कुल नहीं रिकमेंड करते। अच्छा, उसके लिए भी
अगेन स्टोरी है भाई इसके लिए भी, ये जेड ब्लैक इसलिए क्योंकि भाई मिहिर भाई के साथ एक वीडियो शूट होनी थी और अंदर से गाड़ी का तब तक इंटीरियर का काम नहीं करवा रखा था, तो लोग बाहर से देखते थे बहुत अच्छी है, जब अंदर देख रहे थे तो सीटें फटी हुई होती थी, तो इसलिए जेड ब्लैक करवा रखी थी। कल शाम को ही मैंने इसका इंटीरियर काम करवाया और अब हम इसको जेड ब्लैक नहीं रखेंगे भाई, आप लोगों को भी नहीं रखनी चाहिए, देखो जो भी देख रहे हैं उनको भी रखनी चाहिए और हम भी हटवा देंगे। और मोरओवर ये गाड़ी सिर्फ कार शोज के लिए जाती है, ये डेली कम्यूट के लिए नहीं है, ये सिर्फ वीडियोज बनाने के लिए आती है और प्रॉपर हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं, हम इसको डेली यूज़ के लिए नहीं यूज़ करते हैं और कभी भी मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप बिल्कुल जेड ब्लैक चीज़ें चलाओ। जेड ब्लैक तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं है अपनी वीडियो में, और आप तो कोई करना चाहे तो अपने रिस्क पे करवाएं, तो अपना रिस्क हाँ। देखो सबकी अपनी मर्जी होती है। और ये जो आपने ग्राफिक्स अभी आज ही हाल फिलहाल में मतलब अभी दो घंटे पहले है ना करवा कर ही आया हूं वीकेंड पर, ये इससे गाड़ी की मतलब और लुक इनहेंस हो गया ना। एक जापानीज गाड़ी को और जापानीज ऑथेंटिक लुक देने के लिए मैंने ये जापानीज सैमुराई मास्क वाला ग्राफिक्स में करवाया, तो ये अच्छे भी लग रहे हैं इसके ऊपर, इसकी लुक भी और अच्छी कर रही है। तो रिएक्शन तो बहुत आते होंगे भैया? रिएक्शन अब तो आते ही थे बट कल के काम के बाद, क्योंकि अब जैसे रात को मैं निकलूंगा तो इसके नीचे अंडर लाइट्स भी हैं और अब ये ग्राफिक से काम भी हो गया, तो अब रिएक्शंस और बढ़ गए हैं ग्राफिक से काम के बाद। बाकी अभी मैं आपको वीडियो में छोटी छोटी क्लिप डाल दूंगा भाई, रिएक्शन देखना तो बहुत। लोग पहले मिस कर जा रहे थे गाड़ी को देख के पहले, तो फिर एग्जॉस्ट लगवाया हमने कि जो देख नहीं रहा वो सुन ले रहा था, फिर देख रहा था, अब जो मिस कर जा रहे हैं वो फिर ये देख कर देख रहे हैं कि अच्छा ये क्या है, फिर जब वो देखता अच्छा गाड़ी ये है, नॉर्मल कार नहीं, गाड़ी इतनी हटके बना देना कि मतलब बंदा मजबूर है मुड़ना तो मुड़ने के लिए ना। अब तो मैं मुड़ के रहूंगा, देखो अब तो मेरे को चाहिए हर निगाह इस पर मुड़े, बंदा इसको देखे इसके लिए पूरा ही काम हो रहा है, और अपना जो दूसरा बंदा भी मजबूर हो जाएगा देखने के लिए, गाड़ी ऐसी बना दिया आपने ना। और जो पीछे जो स्पॉइलर अपना, ये भी अपना इम्पोर्ट हुआ है ना, ये स्पॉइलर भी एज इट इज लाइक ये स्टॉक ईवो 6 का ही स्पॉइलर है, ये कोई मॉडिफाइड स्पॉइलर नहीं है, ईवो 6 जो आता है इसका स्टॉक यही आता है एज इट इज, ये हमने उसी का ही लगाया है। तो अपना अच्छा खासा हैवी भी है, मतलब ये नहीं है जो मतलब बैड क्वालिटी अपनी है ना, नहीं, 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 बैड क्वालिटी नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से बनाई गई थी कार कि अगर ये ज्यादा स्पीड में चलती है तो उसको सपोर्ट कर पाए, उसी हिसाब से अपना एक कर्व भी है और मतलब भी है और उसी हिसाब से एडजस्टेबल भी है। अच्छा हमने ये देख रहे तो ये नट्स है, हाँ यहाँ से खुल के नट्स को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं इसके, अच्छा इसको है इसके एंगल को। और बाकी भाई पीछे से अपनी कुछ ऐसी रहने वाली है इवोल्यूशन, तो भाई ये इवोल्यूशन इवोल्यूशन गाड़ी का नाम है, इंडिया में आती थी लांसर हाँ। और बाहर आती है लांसर इवोल्यूशन, अच्छा इवॉल्व हुई है एक, मतलब नॉर्मल लांसर से इवॉल्व है हाँ। तो इवोल्यूशन आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट 10 तक आई है, तो ये इवोल्यूशन 6 है। अच्छा हाँ, तो इसलिए ये लांसर इवोल्यूशन है, लांसर की हमें बैजिंग नहीं मिल पा रही थी तो अदरवाइज पे लांसर पे लिखवाती है, इवोल्यूशन की बैजिंग भी हमने बनवाई है, इनफैक्ट लोगों भी हमने बनवाया ही है, तो इसलिए ये मतलब मिस्तुबिशी और इवोल्यूशन है कि अब लोग समझे ये एक्सेंट रही है, ये मिस्तुबिशी की है। और ये भी जरूरी है क्योंकि लोग बाग भाई जज करने लग जाएंगे भाई ये वो गाड़ी है, हाँ, इस टीम है, एसेंट है, मॉडिफाई करवाई है, ये हाँ। करवाई है, तो एक इसकी पहचान देनी भी जरूरी थी, तो उसी वजह से ये है। और बाकी भाई अपने जो एग्जॉस्ट का काम बहुत तगड़ा करवा रखा भाई ने, तो इसको भी सुनाते हैं, रुको थोड़ा वेट करो। और बाकी भाई अपनी और भाई अपना चैनल भी है ना, हाँ बिल्कुल अपना वर्ड द हर्ट, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिंक, भाई को जाके सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बाकी भाई वीडियो पूरी देखा करो और ऐसी ऐसी वीडियो आती रहेगी अपने चैनल पे। बाकी भाई देखो इस साइड की लुक देखो भाई कितनी प्यारी लुक निकल कर आ रही है, और ये आगे जो आपने स्टिकरिंग करवा रखी है ये भाई सब लुक के लिए है, देखो इसमें से इसका कोई भी पार्ट नहीं लगवा हाँ। मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा ना स्पार्को का ना मोमो का ना पीएनएल का, अरे नॉर्मली स्टिकरिंग करवा रखी है ना, स्टिकर्स लुक के लिए, लुक एनहांस करने के लिए हां। और बाकी आपने फ्रंट मिरर थोड़ा मतलब ब्लू ब्लू टिंट इसलिए करवाया है क्योंकि अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मेरे बाइक का वीडियो आ रही थी इसका मिरर पे क्रैक है, वो थोड़ा सा छुपाने के लिए हमने इसको अपने कार से मैच करवाया, फ्रंट टिंट करवाया वो, और अच्छा भी लग रहा है हाँ। है ना मैच हो गए। बाकी देख लो भाई अपने आगे से कुछ ऐसे रहने वाली है, और बाकी लाइट वेट में आपने कुछ चेंज करवाया? नहीं, लाइट इसके अंदर बिल्कुल ऑथेंटिक है, हैलोजन ही है जो जापान से हमने इंपोर्ट करवाए थे, बल्ब भी इसके वही है। बाकी एक बार अपना हुड और खोल के दिखा दो भाई, तो भाई ये स्टॉक इंजन है जो इंडियन लांसर के अंदर आया करता था 1400 सीसी का, तो भाई देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई हमने 14-15 साल गाड़ी को खोल रहे हैं ना। बिल्कुल, ये हमने पार्ट इसका पेंट करवाया सिर्फ लुक्स के लिए, इसका कोई वैसे कोई पर्पस है नहीं, क्योंकि इस जाली से नजर आता था, तो इस वजह से हमने इस पार्ट को। बाकी जैसे इन फ्यूचर अगर कुछ पार्ट्स में अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो ढूंढने में तो बहुत परेशानी होगी ना, इसको ढूंढने में परेशानी होगी, बट जो एक अच्छा मैकेनिक होता है वो पार्ट्स देख के बता देता है, जैसे कुछ इसके पार्ट्स ऐसे जो कि अगर आप बोलोगे कि मिस्तुबिशी के चाहिए लांसर के चाहिए तो आपको नहीं मिलेंगे, अगर आप प्रॉपर वो पार्ट लेकर जाओ किसी के पास हाँ। उसको नॉलेज हो तो वो बता सकते हैं कि हाँ
इसका नहीं है बट हाँ इस कंपनी का ये पार्ट इसके अंदर लग सकता है। अच्छा। तो ऐसे कई सारे पार्ट हमको मिल जा रहे हैं इसके। और बाकी जो सर्विस सर्विस तो नॉर्मल अपनी होती होगी। सर्विस हमारी नॉर्मली होती है, नॉर्मली हमारे इंजन ऑयल वगैरह जो चेंज होता है वही सारे पार्ट्स के अंदर भी लग जाते हैं, तो सर्विस में कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। पर जो ये आगे से लुक आ गई ना अपने जो बम्पर के अंदर अपनी लाइट है, मतलब फोग लैम्प कहते होंगे है ना, पर ये फोग लैम्प थोड़े अपने बड़े हैं, उस हिसाब से बहुत मतलब प्यारे लुक निकल कर आ रही गाड़ी की। बाकी भाई ये अपना स्ट्रोक इंजन है, इंजन वाइज कुछ काम करवाने सोचा है? इंजन वाइज अभी काम करवाने का प्लान नहीं है, जो बेसिक इसकी जरूरत है जैसे सस्पेंशन और स्टीयरिंग का वो काम करवाएंगे, उसके बाद उसके मॉडिफिकेशन पे जो परफॉर्मेंस पे काम हम करवाएंगे। हाँ पहले अपने बॉडी लाइन वैसे है ना, सबसे पहले बॉडी लाइन जरूरी थी कि रोड पर निकले एटलीस्ट तो लोग देखें, लोगों को पता चले कि गाड़ी है कौन सी, और उसके बाद परफॉर्मेंस पे काम करवाना मेरे को लगता है कि ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी अंदर आते हैं, अंदर आके बात करते हैं। ये देखो यार अंदर से भाई ने अंदर से भी बहुत प्यारा काम करवाया है, ये अभी हाल फिलहाल में करवाया है अपने रेड कलर, ये मतलब रेड आता है ये मतलब करवाया रेड करवाया हमने, ये भी पार्ट जो जापान के थे जिस बंदे से हमने ली थी उसने हाँ। इस पे वेल्वेट चढ़वा रखा था। अच्छा। अपनी अपनी चॉइस होती है तो वो काफी खराब हो गया था इसलिए हमने चेंज करवा के इसको हम अंदर को पूरी जो है ब्लैक और रेड की थीम देने के लिए हाँ। काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये रेड करवाया मैंने, और धीरे धीरे हाइड्रो डिपिंग वगैरह करवाएंगे हम कार्बन फाइबर किसके कंपोनेंट्स की, तो वो भी हम ब्लैक और रेड थीम में ही देंगे। तो ये लगा लो अपना जल्दी सेकंड पार्ट भी आने वाला आ जाएगा है ना। और ये मतलब ना रेड कलर जच भी रहा है, जैसे आपने बाहर व्हाइट और ब्लू का जो मैचअप बनाया है वैसे आपने अंदर अपने रेड और रेड का हाँ। और बाकी भाई सीट कवर देखो भाई ने अभी करवाए, और फिनिशिंग देखो भाई बहुत प्यारी आ रही है, और सीट भी बड़ी कंफर्टेबल लग रही है। हाँ बिल्कुल, तो जैसे आज के मुकाबले गाड़ी की सीट आप मतलब अच्छी खासी है कुछ है ना। हाँ स्पेस है मतलब बैठने हाँ। के लिए लेग रूम वगैरह से काफी अच्छा है। बाकी अपनी देख लो भाई स्टोक ऐसी आती है अंदर से, ये आपने तो ये स्टीरियो लगवाया होगा? नहीं ये स्टीरियो भी भाई जो सेकंड हैंड मैंने खरीदी थी लांसर, तो उसी का ही स्टीरियो ही लगा हुआ था, उस बंदे ने ये लगा रखा था। तो देख लो भाई कुछ इस तरह से रहने वाली है अंदर से, और बाकी भाई ये कुछ हटके लगवा रखा आपने ब्लैक और रेड थीम अगेन भाई हाँ। तो उसी के लिए ही रेड कलर का दिखा थोड़ा सा हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा स्पोर्टी लुक आ जाएगा और वो थोड़ा सा रेसिंग टाइप जापानीज, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है भाई ये भी लगवा ही लेते हैं। इसका स्टिचिंग के अंदर भी हमने बोला कि रेड ही यूज करो, तो सारा का सारा जिसने भी बंदे ने रखी गाड़ी मतलब अच्छी कंडीशन में रख रखी थी ना, ज्यादा मतलब कह नहीं सकता कोई 14-15 साल पुरानी गाड़ी है ये है, क्योंकि आजकल लोग बागे 4-5 साल में कर देते हैं, 4-5 साल के अंदर गाड़ियों की हालत खराब हो जाती है, और हो भी जाती है आज के टाइम पे गाड़ियों की हालत खराब, लोग भी कुछ कर देते हैं, एक केयर भी होती है हर चीज की, केयर करो आप चीज की तो 14-15 साल भी चलेगी, नहीं करोगे तो वो 2 साल बाद ही बोल देगी कि हाँ अब चल ही नहीं सकते। तो वैसे अगर मीटर के हिसाब से कितनी चल चुकी है अपनी गाड़ी? मीटर के हिसाब से देखा जाए तो भाई ये गाड़ी चल चुकी है 1,12,000। अच्छा हाँ 1,12,500 चल चुकी है गाड़ी, तो 1,12,000 के हिसाब से अपनी स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने एक सेल्फ में स्टार्ट हो रही है अपनी गाड़ी है ना बिल्कुल नॉर्मली। मैं कह रहा हूँ कि इंजन इसका बहुत फाइन है, मित्सुबिशी का इंजन अगर आप देखो तो 1,12,000 चलने के बाद भी जिस हिसाब से चलती है रोड पर, तो उस हिसाब से इंजन की इसकी जो लाइफ है और जो इंजन की एसी क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और बाकी भाई आपने भी एसी चलाई तो हिसाब से भाई एसी कूलिंग में भाई ये लगा लो, जो आज की गाड़ी नॉर्मली है ना अपनी वैसी कूलिंग हाँ, है बिल्कुल वैसी कूलिंग आप हाँ। नहीं कह सकते ये 14 साल पुरानी गाड़ी के एसी हाँ। के अंदर बैठा हुआ हूँ मैं कि हाँ बहुत टाइम लगेगा ठंडा होने में, या फिर पता ही नहीं चलेगा, या फिर ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ गर्मी ना लगे बस चल रहा है, एसी वाला नहीं है प्रॉपर एसी चलने वाला ही एसी है। मुझको भी नहीं था एक्सपेक्टेड कि मैं भी पहली बार लांसर में तभी बैठा था जब मैंने परचेज करी थी हाँ। तो उस हिसाब से जब मैं बैठा मैंने देखा कि हाँ इसका एसी वगैरह सच में बहुत अच्छा है, और अपने नॉइज भी मतलब इंजन में कोई नॉइज भी नहीं, नहीं है इंजन में कोई हाँ। नॉइज नहीं है, नॉर्मल जो साउंड होनी चाहिए वो अपनी साउंड है गाड़ी में। बाकी भाई देखो अंदर से जो इंटीरियर है ना उसी मतलब पहले के हिसाब से बहुत अच्छा खासा इंटीरियर है, और कुछ यूनिक ही था उस हिसाब से ना, उस टाइम के हिसाब से चारों पावर विंडो, बाकी अपना एक ग्लव बॉक्स है ना ग्लव बॉक्स भी भाई है उस हिसाब से बहुत, और दो दो ग्लव बॉक्स आजकल तो एक भी नहीं हाँ। जल्दी से वो भी छोटा सा मिलता है ना ये एस्ट्रे हाँ। मतलब उस हिसाब से मतलब बहुत फंक्शन अपने हाँ। छोटी छोटी बहुत चीज है, कप होल्डर्स हमारे ऐसे होते थे उस टाइम पे, आजकल तो कई गाड़ियों में कप होल्डर गायब ही नहीं होते हाँ। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक मिरर एडजस्ट कर अपने चारों पावर विंडो ने, चारों पावर विंडो 14 साल पहले, तो ये सारी चीज अगर आप देखो 14 साल पहले अभी भी गाड़ियों के बेस मॉडल में नहीं होती है, पर तब भी 14 साल पहले भी गाड़ियों के अंदर ये आ रही थी, तो ये चीज काफी मतलब मेरे को भी यूनिक लगती है। अब तो बहुत कॉस्ट कटिंग करने लगे कंपनी, कॉस्ट कटिंग बहुत करने लग गए हैं, मटेरियल इतना अच्छा नहीं यूज करते हैं कि है भी और सारी चीजें चल भी रही हैं, अगर हो और उसके बाद चले भी तो वो भी बहुत एक अच्छी बात है कि हाँ 14 साल बाद भी चीजें फंक्शनल हैं हाँ।
और बाकी आपने मतलब एग्जॉस्ट में क्या कुछ करवा रखा है? एग्जॉस्ट के अंदर हमने इसका बेंड पाइप चेंज करवाया है और जो एग्जॉस्ट का मेन कंपोनेंट होता है वो चेंज करवाया हमने इसमें। तो एक बार नॉर्मल साउंड सुनाते हैं और फिर एक बार एग्जॉस्ट की साउंड सुनाते हैं। तो एक बार रेस दो, तो भाई अपनी ये नॉर्मल साउंड रहने वाली है, ऑन कर दो। तो भाई यही है, एग्जॉस्ट का काम करवाना भी जरूरी था क्योंकि हाँ। जब गाड़ी रोड पे चलती है और इस तरह की गाड़ी जो हम रखना चाह रहे हैं, जिस तरह का हम लोगों से रिएक्शन चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से एग्जॉस्ट एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है। हालांकि मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डेली यूज के लिए अपनी गाड़ी हो तो उसके अंदर एग्जॉस्ट ना लगवाओ। आपका जो पर्पस होना चाहिए गाड़ी का वो लेके बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप उसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। अगर आपकी डेली कम्यूट गाड़ी होती है तो उसके अंदर एग्जॉस्ट वगैरह लगवाना आपका फ्यूल एफिशिएंसी पे भी अफेक्ट करेगा हाँ। आपका, ठीक है, सारी चीजों पे करेगा। तो आपने मतलब गाड़ी ना इस हिसाब से बना देगी, दिल्ली की सुपरा लगा लो ये। हाँ, ये दिल्ली की सुपरा ही है भाई हाँ। बहुत लोग इसको बोल भी चुके हैं, सुपरा सुपरा हाँ। बोल भी चुके हैं। तो अब या तो भाई मैं UK07 से पिटूंगा या फिर मेरे को सुपरा लेनी पड़ेगी, दोनों में से एक काम ही होगा। और जो एग्जॉस्ट है ना भाई, बहुत तगड़ा साउंड अपना दहाड़, मतलब जो शेर दहाड़ था ना बिल्कुल वैसी साउंड अपनी, तो रिएक्शन तो आने ही है क्योंकि और जो रिएक्शन अभी भी जब हाँ। गाड़ी के अंदर बैठे भाई, आप अभी भी देखो तो घिरी ही रहती है गाड़ी हाँ। कहीं पर भी रोड पे खड़ी होती है तो घिरी ही रहती है, लोग पूछते ही हैं, लोग आके बात करते ही हैं, और ग्राफिक से काम के बाद तो मेरे को लगता है अब और भी ज्यादा कर रहे हैं हाँ। क्योंकि फिर भी पहले एक बार को मिस हो जाती थी लोगों से, बट अब और ज्यादा नोटिस हो रही है। अब चलो ये तो सारा हो गया, अब ये बताओ आप ये गाड़ी लेकर आए तो कितने की लेकर आए थे? मैं ये गाड़ी भाई 70,000 रुपए की लेकर आया था। अच्छा, 70,000 की, और उसके बाद लगा कितना दिया अपनी गाड़ी में? भाई 70,000 के बाद मैं इस पे अप्रोक्स 2-2.5 लाख रुपए लगा चुका हूँ मोटा मोटा। अभी तक मेरे 3-3.5 लाख तीन के आसपास तो हाँ, लगी गए होंगे ना, लगी गए होंगे। बट अगर आप देखो तो 3 लाख की अगर मैं गाड़ी, मैं आपको 3 लाख रुपए दे दो बोलो कि दिल्ली में कोई गाड़ी खरीद लो तो आपको शायद ही लोग पूछे कि क्या करा क्या नहीं करा। बट 3 लाख की गाड़ी और इतने ज्यादा लोगों के रिएक्शन, अटेंशन भी मिल रही है हर बंदे की, है ना हाँ। और रोड पे चलाते तो मजा भी आ रहा है और खुद को मजा आता है ऐसी हाँ। गाड़ी चलाने में। लांसर चला रहा हूँ मैं, बोल सकता हूँ कि हाँ मैं लांसर मैंने चलाई हुई है हाँ। और बाकी अगर नॉर्मल अगर हम वैसे गाड़ी ले भी ले तो सब बंदे, वो तो हर दूसरे बंदे के पास गाड़ी है हाँ, ना वो है, वो कॉमन है, आपको किसी ना किसी के पास मिल ही जाएगी, ये आपको नहीं मिलने वाली। और बाकी भाई और कुछ रह रहा हो अपनी गाड़ी में बताना भाई? अब धीरे धीरे है, देखो मैं यही कहूंगा कि अभी हमने इतना काम करा है, बट हाँ काम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी हाँ। बहुत सारी चीजें हैं और बहुत जल्दी फिर से आएगी चैनल पे वीडियो भाई के साथ, हम फिर से वीडियो बनाएंगे और काम करवाने के बाद। तो मिस मत करना और देखते रहो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और भाई सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करके रखो हाँ। ऐसी वीडियोस के लिए भाई, और भाई वीडियो पूरी देखा करो और सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन हाँ, मिलता रहे भाई। हम भी आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहे ऐसे ही, और बाकी भाई का भी चैनल अपना पूरी, अगर सीरीज देखनी है आपको शुरू से भाई कैसे कुछ लाए भाई और कैसे कुछ भाई ने क्या बना दिया इस गाड़ी का। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप भी अपने चैनल पे अपने व्यूअर्स को बताना कि ये कार का जो पर्पस है वो बेसिकली गिव अवे का पर्पस है। मैं अपने चैनल पे इस गाड़ी का गिव अवे कर रहा हूँ हाँ जी, तो वो सारा का सारा मेरे चैनल पर चल रहा है भाई, टैग भी कर देंगे, आप वहाँ पर भी जाकर देखो और पार्टिसिपेट करो उस गिव अवे में। ये कार मैं अपने रखने के लिए नहीं बना रहा हूँ, इस कार को मैं गिव अवे के लिए ही बना रहा हूँ हाँ जी। तो भाई आप भी बताना अपने व्यूअर्स को, आप भी बोलना अपने पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अपनी क्या कंडीशन रहने वाली गिव अवे की? कोई कंडीशन नहीं रहने वाली भाई, बस कोई कंडीशन नहीं है, एक रैंडम सब्सक्राइबर हम उठाएंगे उसको गाड़ी देंगे, बस बंदे के पास लाइसेंस होना चाहिए और 18 साल से ऊपर हो, या फिर अगर नहीं है तो कोई पेरेंट वगैरह हो उसके साथ हो, कोई गार्जियन हो। तो भाई जल्दी से जल्दी भाई को सब्सक्राइब कर लो अगर ऐसी दिल्ली की जो सुपरा चाहिए हो तो किसी बंदे को दिल्ली की सुपरा भाई, दिल्ली से बाहर भी जा सकते हैं, दिल्ली की क्यों? वैसे जो अपनी जो मॉडिफाई हुई है अपनी दिल्ली में हुई है ना, तो अपनी दिल्ली तो हाईलाइट होनी जरूरी है, दिल्ली नंबर यूपी का हाईलाइट दिल्ली के अंदर हो रही है 10 साल के बाद, दिल्ली में ही नहीं चला रहे इसको सॉरी 10 महीने बाद, तो इसलिए थोड़ी सी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब अफेक्ट कर रही है, तो इसलिए इस गर का गिव अवे करना वैसे भी जरूरी है क्योंकि मैं तो नहीं रिस्क ले सकता। देखो गाइस अगर आप ले सकते हो दिल्ली में चलाने का तो आप ले लेना और आप चलाना पर मैं नहीं चला पाऊंगा भाई, मेरे घर वाले नहीं रखने देंगे मेरे को इसके, और मैं अपनी आंखों के सामने इसको ले जाते हुए टोहते हुए नहीं देख सकता बाकी भाई देख लो इस तरह की वीडियो रहने वाली है, और बाकी मैं भाई की डिस्क्रिप्शन में आईडी और भाई चैनल यूट्यूब चैनल डाल दूंगा, भाई को फॉलो कर लेना और भाई को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी भाई वीडियो अगर
वीडियो तो छोड़ो, आपको अगर भाई की गाड़ी अच्छी लगी हो, अपनी दिल्ली की सुपरा अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। और जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। बिल्कुल।